दोस्तों, देखिए आज हम लोग बना रहे हैं बेसन के लड्डू। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये लड्डू बनाए हैं। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, जिस तरह से मैं आज आपको बताऊंगी। वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा। चलो हम शुरू करते हैं लड्डू बनाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लड्डू बनाने के लिए ये एक कटोरी है, पूरा एक कप, मतलब एक कप घी है ये। मैं ये घी इसमें ऐड कर देती हूँ। मैं ये पूरा नहीं डालूंगी। देखिए मैं यहाँ पर 1/4 जो है हमारा घी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है बीच में। घी बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर हम गरम नहीं करेंगे। घी ज्यादा गरम नहीं करेंगे, गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। और हम इसमें ये बेसन ऐड कर रहे हैं। मैंने एक कप बेसन लिया है, ये देख सकते हो आप लोग। इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। लड्डू बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छे बनते हैं और हम इसमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा लड्डू बनाकर, देखिएगा। ये देखिए अच्छे से हम बेसन को भून लेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह से अगर लड्डू बनाओगे तो लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बेसन को मंदी आंच पे ही एकदम लो फ्लेम पे हम लोग भूनेंगे यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से राउंड राउंड करके आप इसको घुमाइएगा और इस तरह से ही बेसन को भूनना। और आज मैं इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी। बेसन के लड्डू तो हमेशा ही खाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगी ये लड्डू आज। तो आप लोग पूरे वीडियो कम्प्लीट देखिएगा। यहाँ मैंने एक कप बेसन लिया था। एक कप बेसन के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप की गेहूं का आटा है। ये कोई भी आटा ले सकते हो आप, मोटा भी और ये दूसरा बारीक, जो मैं सिंपल रोटी बनाती हूँ वो वाला आटा ले रही हूँ। ये मैं आपको इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको भी हम इसी के साथ में भूनेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिएगा। देखो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें और भी इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी और आप इस तरह से लड्डू ट्राई करोगे तो लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना, लो फ्लेम पे ही हम इसको भूनेंगे। उससे क्या होता है, बेसन और आटे की अच्छे से सिकाई होगी, अच्छे से हम इनको भूनेंगे। घी छोड़ने तक इसको अच्छे से भूनना है हमारे को। ये देखिए दोस्तों, इसने घी छोड़ दिया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। पहले कितना ज्यादा ड्राई हो गया था, और अभी देखो गीला गीला हो गया है एकदम, घी निकल रहा है इसमें से। गैस को लो पे ही रखिएगा, हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, लो रखना या मीडियम फ्लेम पे रखना। देखिए पहले लो पे रखेंगे और अभी इस कंडीशन पे जब इस तरह से आ जाए घी छोड़ने लगे तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, हाई फ्लेम पे मत करना। ये देख सकते हो बस अभी बनने वाला है मसाला, इसका रेडी होने वाला है ये। ब्राउन कलर का हो गया अच्छे से। इस टाइप पर हम लोग यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर अखरोट लिए हैं, मैंने 8 से 10 अखरोट लिए जिसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ये देख सकते हो आप लोग, ज़्यादा नहीं पीसना मिक्सी के अंदर, हमारे को हल्का इसको ग्राइंड करना है। थोड़े थोड़े पीसेस इस पर रहने देंगे अखरोट के। आप इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा, लड्डू बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू हमारे बनेंगे यहाँ पर। ये जो मैंने घी लिया था यहाँ पर, ये मैं घी इसमें ऐड कर दूंगी। मैं सारे घी इसमें ऐड कर देती हूँ। गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा, हाई मत कीजिएगा। इसको थोड़ी देर भूनेंगे हम लोग थोड़ा। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से भुन गया है, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, 1 कप गुड़ है जिसको मैंने बारीक काट लिया था चाकू से, मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। आप इस तरह से गुड़ को काट के यूज कीजिएगा। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम गुड़ डालेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्म है तो गुड़ इसमें मेल्ट हो जाएगा। अच्छे से इसको हिलाते हुए हम इसको मेल्ट करेंगे।
आप इसका कलर देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आया, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों इसका। देखिए किस तरह से हिलाते हुए बराबर इसको हम मिक्स करेंगे। आप इसको इस तरह से हिलाते रहोगे धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लड्डू हमारे से रेडी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है हमारे यहाँ पर, मिक्स हो गया ये। अब इसके अंदर हम यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ी इलायची ली थी 5 से 7 इलायची, जिसको मैंने पीस लिया है और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर बहुत ही टेस्टी हेल्दी लड्डू हमारे यहाँ रेडी हुएंगे, वो भी बेसन के। आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए मिक्स गाढ़ा हो गया ये, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए, फिर हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों क्या मैंने इसे ठंडा कर लिया है, हल्का हल्का हाथ पर घी लगा लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ लड्डू हमारे रेडी हो गए। हम गरम गरम लड्डू के साथ ही यहाँ इनमें बादाम लगा देंगे। ये बादाम मैंने यहाँ पे कपड़े काट रखी थी, मैं इसमें ऐड कर दूंगी और हमारे सुंदर सुंदर टेस्टी बादाम यहाँ रेडी हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, कलर भी कितना प्यारा है लड्डुओं का और ये हेल्दी भी है। हमने इसमें कोई चीनी ऐड नहीं करी है, गुड़ के लड्डू है, गुड़ में बहुत सारा आयरन होता है जो हमें बहुत फ़ायदा करता है, गुड़ पाचन में भी हेल्दी होता है हमारे। तो देखिए मैं सभी लड्डू में इस तरह से यहाँ बादाम लगा देती हूँ, देखने में सुंदर लगेंगे, टेस्ट भी अच्छा आएगा। लड्डू हमारे रेडी हुए हैं एकदम मस्त टेस्टी। मैं आपको इनको तोड़कर दिखाती हूँ, देखो कितने अच्छे लड्डू हमारे बने हैं। ये सॉफ्ट भी है और टेस्टी और हेल्दी भी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों इतने अच्छे लड्डू ही हमारे रेडी हुए हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा रेसिपी, ताकि मैं और भी आपको नई नई जो बनाऊँ वो आप लोग देख सको, नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय।